कपूर। ये हो क्या रहा है, कौन हो तुम लोग? ये है वाईडी यमदूत, मैं हूँ चित्रगुप्त। सो फाइनली दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार के साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म राम सेतु एडवांस बुकिंग में अपने 3 दिन पूरे कर चुकी है। और दोस्तों आज इस फिल्म के एडवांस बुकिंग का 4th दिन, और दोस्तों साथ ही बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड भी एडवांस बुकिंग में अपने 3 दिन पूरे कर चुकी है। और आज इस फिल्म के एडवांस बुकिंग का 4th दिन। और दोस्तों आपको बता दें कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री की पहली पैन इंडिया फिल्म हर हर महादेव भी एडवांस बुकिंग में अपना 2रा दिन पूरा कर चुकी है, और आज इस फिल्म के एडवांस बुकिंग का 3रा दिन। तो दोस्तों अगर आप इन तीनों फिल्मों के ट्रेलर को देख चुके हैं और जानना चाहते हैं इन फिल्मों के अभी तक के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने अपनी एडवांस बुकिंग की शुरुआती 3 ही दिनों में लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा की एडवांस बुकिंग कर ली है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म अपने रिलीज तक लगभग 6 से 7 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर लेगी। आइए दोस्तों बात करते हैं दूसरी फिल्म थैंक गॉड के बारे में। तो दोस्तों बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म थैंक गॉड लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग अभी तक कर चुकी है। आइए दोस्तों बात करते हैं तीसरी फिल्म हर हर महादेव के बारे में। तो दोस्तों ये फिल्म भी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग कर सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने वाली, क्योंकि इन तीनों फिल्मों के ट्रेलर को ऑडियंस का बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी कमाई कर सकती है? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉक्स ऑफिस ज्ञान को।